हाय दोस्तों, फिटनेस भाई का सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। दोस्तों बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि स्काई मीडिया में कौन सा कोड लगेगा, स्काई मीडिया में चैनल कैसे स्कैन करें, स्काई मीडिया में वाईफाई डोंगल कौन सा लगाएं। तो बहुत लोग परेशान रहते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं ये स्काई मीडिया का सेटअप बॉक्स है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग लुक आते हैं। अंदर से लुक पे मत जाइएगा। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ये मिलता है एवी केबल, एक मिलता है पावर अडोप्टर आप देख सकते हैं कैद का, और एक मिलता है ये रिमोट। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखेंगे ये स्काई मीडिया का सेटअप बॉक्स है। इसके आगे का लुक जो है वो चेंज होता है, कभी कभी दूसरे लुक में भी ये बॉक्स आता है। मेटल बॉडी का सेटअप बॉक्स है, आप देख सकते हैं। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें लुक भी चेंज आते हैं स्काई मीडिया के, जैसा कि आप दूसरे भी देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे ये इस तरीके से इसका बना हुआ है, तो ये चेंज भी आता है, लेकिन उसे मत जाइए। मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज इसमें कौन कौन से आपको वाईफाई डोंगल लगा सकते हैं और क्या कोड इसके अंदर आप लगा सकते हैं, चैनल वगैरह किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं। पूरी डिटेल पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वाईफाई डोंगल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला वाईफाई डोंगल इसके अंदर लगता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाईफाई डोंगल है जो इसके अंदर लगता है। ये देखिए, ये वाईफाई डोंगल इसके अंदर लगेगा, और ये वाला वाईफाई डोंगल भी इसके अंदर लगता है। आप देख सकते हैं ये वाईफाई डोंगल भी इसके अंदर लगता है एंटीना वाला, और ये सादा भी आता है वो भी लग जाता है। तो इसके अंदर कोई भी सेटअप बॉक्स का वाईफाई डोंगल आप लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन कंप्यूटर वाला वाईफाई डोंगल नहीं लगता है। तो आइए चलते हैं टीवी पर, टीवी पर चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको इसमें कोड लगाना है, किस तरीके से हम इसमें चैनल स्कैन कर सकते हैं, और बहुत सारे इसके लुक मेनू वगैरह सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों स्काई मीडिया मैंने यहाँ पे ये देखेंगे लगा दिया है। मैं ये दो बॉक्स दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी ये वाला जो बॉक्स है नीचे वाला, ये मॉडल अभी नहीं आता है। अभी ये वाला मॉडल आता है स्काई मीडिया में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर आप देख सकते हैं। ये वाला मॉडल अभी स्काई मीडिया में आता है, तो इसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं, चाहे ये वाला लगा सकते हैं चाहे ये वाला। तो मैं ये वाला लगाता हूँ नीचे वाला, ठीक है, ये वाला लगाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके से आप चैनल स्कैनिंग और कोड वगैरह आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, और इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, पूरी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो देखिए ऑन होने के बाद में एक चीज़ ये भी आती है, प्रोग्राम नॉट एग्जिस्ट। तो प्रोग्राम नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, या यहाँ पर डाटा बेस एम्प्टी भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सेटअप बॉक्स है, आपके सेटअप बॉक्स में चैनल्स स्टोर नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल स्टोर करने होते हैं। तो जब चैनल आप स्टोर करेंगे, यानी कि ब्लाइंड स्कैन, जब ब्लाइंड स्कैन कर लेंगे तो आपके सेटअप बॉक्स में चैनल्स आ जाएंगे, और ये वाली जो प्रॉब्लम है प्रोग्राम नॉट एग्जिस्ट की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें चैनल ही स्कैन कर लेते हैं। तो चैनल किस तरीके से आपको स्कैन करने हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहले जो आपकी सैटेलाइट होगी वो NSS KU, देख रहे हैं आप, KU NSS 6 से सेट, या यहाँ पे आपका NSS 6 भी लिखा हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे GSAT 15 भी हो सकता है। तो आपको वो सेलेक्ट करना है। LNB फ्रिक्वेंसी का आपको ध्यान रखना है, LNB फ्रिक्वेंसी आपकी यूनिवर्सल 9750 10600 रहनी चाहिए, और LNB पावर ऑन होना चाहिए। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, नीचे आएंगे तो यहाँ पे सैटेलाइट को कर देना है ब्लाइंड, और ब्लाइंड करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे, अगर आपको रेडियो टीवी दोनों चैनल चाहिए तो यहाँ पे ऑल कर देना है, वरना टीवी कर देना है। उसके बाद में FTA ओनली जो है यस या नो, यानी कि फ्री टू एयर चैनल सिर्फ चाहिए तो यस कर देना है, और सारे चैनल चाहिए तो नो कर देना है। तो हम यहाँ पे यस करते हैं, हमको सिर्फ फ्री टू एयर चैनल चाहिए अभी, और उसके बाद में हम स्कैन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हमारे फ्री टू एयर चैनल जो है वो स्कैन होने शुरू हो चुके हैं। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, स्कैन हो चुका है, 204 फ्री टू एयर चैनल हमारे आ चुके हैं DD फ्री डिश के सेटअप बॉक्स में। HD स्काई मीडिया का सेटअप बॉक्स है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं ओके बटन से। उसके बाद हम चले जाते हैं बैक करके, यानी कि एग्जिट का बटन दबा के आगे जाएंगे हम कि वाईफाई आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो वाईफाई पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे नेटवर्क सेटिंग आएगा सबसे ऊपर, नेटवर्क सेटिंग पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी नन लिख के आ रहा है। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला वाईफाई डोंगल है जो इसमें लगता है, और एक छोटा भी आता है वो भी इसमें लगता है। तो जो इसका वाईफाई डोंगल है वही इसमें लगेगा। तो ये वाईफाई डोंगल मैं इसमें लगा लेता हूँ, और लगाने के बाद आप देखेंगे जो सामने ऊपर नन लिख के आ रहा है और नीचे इनवैलिड है,
वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर हमने वाईफाई डोंगल वही लगाया जो इसको सपोर्ट करता है तो नन हट जाएगा, अगर हमने कोई दूसरा लगाया जो इसको सपोर्ट नहीं करता है फिर नन ऐसे ही रहेगा। तो आइए लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने लगा दिया, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाईफाई लिख के आ गया है, नीचे मोड भी आ गया और टाइप भी DHCP आ गया है, नीचे देखेंगे आप नो कनेक्शन आ रहा है। अब हमको इसमें वाईफाई कनेक्ट करना है, तो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हमको सबसे नीचे आना है जहाँ पे सेव लिखा है, यहाँ पे आके जब हम इसको ओके करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमको इसके अंदर डालना है पासवर्ड। तो पासवर्ड डालने के लिए आप नीचे देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन दिया हुआ है जिस पे स्कैन लिखा हुआ है, वैसा ही ग्रीन कलर का बटन हमारे रिमोट में भी होता है। तो हमारे रिमोट से हम ग्रीन कलर का बटन दबाएंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन करेंगे या फिर हमारे घर में जो वाईफाई राउटर लगा होगा वो ऑन है तो उसके बाद में ही हम इस ग्रीन बटन को रिमोट के को प्रेस करेंगे। तो हमने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया है, अब हम ग्रीन बटन रिमोट का प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो मोबाइल का हॉटस्पॉट का नाम है वो आ चुका है, इस पे ओके करेंगे और यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है हमारे हॉटस्पॉट का मोबाइल के का वो हम यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद में हम इसको सेव कर देंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे सेव करके ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे जो मोबाइल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे सेव हो चुका है हमेशा के लिए। जब भी हम अपना सेटअप बॉक्स ऑन करेंगे हमारा हॉटस्पॉट ऑन रहेगा तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप राइट में एक टिक का निशान यहाँ पे बन जाता है दोस्तों, जहाँ पे लॉक बना हुआ है लॉक के बराबर में एक टिक का निशान यहाँ पे बन चुका है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं टिक का निशान यहाँ पे बना हुआ है। अब हम इसको एग्ज़िट कर देंगे, डायरेक्ट एग्ज़िट करेंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे तो कनेक्टेड लिख के आ चुका है। अब हम एग्ज़िट कर देंगे एक बार और वीदर चेक करेंगे हमारा इंटरनेट कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए वीदर आ गया, इसका मतलब हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम जाते हैं इसमें हमको कोड वगैरह क्या डालना है। देखिए ईकास्ट भी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें इस बॉक्स में मिल जाती हैं आपको। तो हम जाएंगे सीधे हमको कहाँ पे वो कोड डालना है। आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ये सबसे नीचे, देखिए सबसे नीचे जहाँ पे गरारी जैसी ये बनी हुई है सेटिंग, इस पर नीचे इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर चैनल एडिट आ गया है। उसके बाद आगे चलेंगे तो सिस्टम एडिट आ गया है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यूटिलिटी आ गया है। तो हमको यूटिलिटी में जाना है, यूटिलिटी पर इसको रखना है। सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे यूटिलिटी लिखा हुआ है, तो हमको यूटिलिटी पर रखना है। यूटिलिटी पर रखने के बाद में यहाँ पे कुछ भी हमारा एक सेलेक्ट होना चाहिए, तो हमारा नेटवर्क सेटिंग या वीदर कुछ भी सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम रिमोट से बटन दबाएंगे 6, ये हम 6 दबाएंगे तो यहाँ पे एक पासवर्ड का ओपन हो जाएगा। तो हमको इसके अंदर पासवर्ड डालना है, जो इसका कोड है वो हमको यहाँ पर डालना है 6605। तो जैसे ही हम 6605 दबाएंगे विंडो चला जाएगा और सबसे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा केबल। तो केबल को हम जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको ये 3 या 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे शेयरिंग का ऑप्शन है, तो शेयरिंग में जाके जो भी कोड वगैरह हमको डालना रहता है, चैनल वगैरह जो देखते हैं, तो उसके लिए कोड यहाँ पे डालना रहता है दोस्तों। तो अगर वो कोड चाहिए आपको तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके वो कोड मंगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो कोड आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये सेटअप बॉक्स चाहिए तो आप हमसे सेटअप बॉक्स भी मंगा सकते हैं, वाईफाई डोंगल चाहिए तो वाईफाई डोंगल भी मंगा सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए कि हमको स्काई मीडिया का सेटअप बॉक्स या स्काई मीडिया का वाईफाई डोंगल या इसका कोड चाहिए तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।